धोनी हार्दिक को क्या बताते हैं जो हार्दिक आखिरी ओवर में सारे मैच जिता जाते हैं? क्या है वो राज जिससे हर कोई अनजान? गुजरात में जो भी खिलाड़ी आता है आखिर वो हीरो कैसे बन जाता है? हार्दिक की वो बात जो अचानक बदल देती है मैच के हालात। जो खिलाड़ी होता है फेल वो कैसे बनाने लगता है रेल? हार्दिक कैसे बना देते हैं बूढ़े को जवान? हार्दिक के इस करिश्मे से हर कोई अनजान। साल 2007 के विश्व कप से हार्दिक ने सीखा जीत का मंत्र। उस मैच में जो दाव धोनी ने आजमाया हार्दिक ने कप्तान बनते ही वो काम करके दिखाया। जी हाँ, हार्दिक की कामयाबी की एक कहानी किसी मिस्ट्री स्टोरी से कम नहीं है। जितना भी दिमाग लगाओगे उलझते चले जाओगे। लेकिन आज हम आपको सारी परेशानियों से सुलझाने वाले हैं। आज हम आपको हार्दिक का वो दाव बताने वाले हैं जिसके दम पर हार्दिक वो कमाल कर देते हैं जिसे बाकी कप्तान नहीं कर पाते, जिस काम को रोहित विराट जैसे दिग्गज नहीं कर पाते। आखिर उस काम को करके अपनी टीम को हार्दिक रोमांचक जीत कैसे दिला देते हैं? हार्दिक के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बाद हार्दिक को आखिरी ओवर में हराना असंभव माना जाता है? चलिए आज हम आपको हार्दिक का वो सच बताने वाले हैं जो उन्होंने साल 2007 के विश्व कप फाइनल से सीखा है। धोनी का वो दाव आज हार्दिक को चैंपियन बना रहा है। तो समझिए, हार्दिक की टीम गुजरात टाइटंस का आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल करने का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आइए आपको बताते हैं कि गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में अपने सफर में रन चेज करते हुए कितने मैच जीते हैं। आईपीएल में गुजरात के आंकड़ों की बात की जाए तो उसने आईपीएल 2022 में लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 में से 10 मैच जीते। अब हम आपको हार्दिक के कुछ मैच भी बताते हैं, उसके बाद उनकी जीत के पीछे की वजह बताएंगे। नंबर एक, साल 2022 में एक मैच में राहुल तेवतिया ने लगातार 2 छक्के लगाकर गुजरात को जिताया था। नंबर दो, साल 2022 में गुजरात टाइटंस ने पहले राजस्थान और फिर चेन्नई और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों को आखिरी ओवर में हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राशिद खान ने आखिरी दो गेंदों पर 2 छक्के जड़कर टीम को जीत तक पहुंचाया था, जब दोनों ने मार्को जेनसन द्वारा फेंके गए अंतिम ओवर में 4 छक्कों की मदद से 22 रन बनाए थे। उसके बाद आखिरी ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से मात दी। नंबर तीन, साल 2023 में भी हार्दिक का आखिरी ओवर का जादू चला, जब लखनऊ के खिलाफ उसके घर में हार्दिक ने अपनी टीम को आखिरी ओवर में जिताया और मोहित शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करके हार्दिक की टीम को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, हार्दिक इस काम को कई बार अब टीम इंडिया के लिए भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर हार्दिक आखिरी ओवर में मैच जिताने के महारथी हैं। लेकिन हार्दिक ने चाल सीखी कहां से? कैसे हार्दिक आखिरी ओवर में मैच के नक्शे को बदल देते हैं? तो उसके पीछे है साल 2007 के T20 विश्व कप का फाइनल। दरअसल साल 2007 के T20 विश्व कप में जब टीम इंडिया मैच हारती हुई नजर आ रही थी, उस वक्त धोनी ने हरभजन सिंह की जगह पर नए गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाई थी और पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद भी धोनी ने जोगिंदर शर्मा से कुछ नहीं कहा था। उसका नतीजा यह हुआ था कि जोगिंदर शर्मा ने उस मैच को जिताया। हार्दिक भी वही काम करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हार्दिक अपने हर खिलाड़ी पर जीत का भरोसा जताते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि हार्दिक की टीम में जो भी खिलाड़ी आता है वो चैंपियन की तरह नजर आता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कई खिलाड़ी हैं। नंबर एक, शुभमन गिल। गुजरात में आते ही गिल की किस्मत बदल गई। जिस खिलाड़ी के बल्ले से रन नहीं निकलते थे वो हार्दिक के साथ आते ही तूफानी हो गया। नंबर दो, मिलर। आईपीएल 2022 से पहले मिलर का आईपीएल रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जैसे ही गुजरात में आए तूफानी बन गए और बड़े मैच विनर साबित हो रहे हैं। नंबर तीन, मोहित शर्मा। जिस खिलाड़ी को कोई खिला नहीं रहा था, जैसे ही वो खिलाड़ी 2023 में हार्दिक के साथ आया उसने आते ही मैच जिता दिया और मोहित शर्मा इस वक्त सबसे बड़े मैच विनर साबित हो रहे हैं। तो ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं जो हार्दिक की कप्तानी में निखर गए हैं। तो हार्दिक की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, भरोसा जताते हैं और जब भी उन्हें मैच में खिलाते हैं उन्हें कुछ कहते नहीं हैं। और जब कप्तान भरोसा जताता है तो खिलाड़ी भी उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में हार्दिक के अंदर धोनी वाली काबिलियत है? कमेंट करके जरूर बताएं।